अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समरा शाहिद है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसका नाम है पैराफीलियस या पैराफीलिया डिसऑर्डर। पैराफीलिया डिसऑर्डर्स में बेसिकली होता क्या है कि कोई भी इंसान जो इस मर्ज में मुब्तला होता है, वो मर्द हो या औरत हो, वो बहुत ज़्यादा उसमें रिपीटेड किस्म की, यानी बहुत ज़्यादा बार बार तसलसल से आने वाले ख्यालात और ख्वाहिशात होती हैं जो जिनसी ख्वाहिशात से रिलेटेड होती हैं। उन्हें इससे रिलेटेड बार बार ख्यालात आते हैं, उससे रिलेटेड बार बार फैंटसीज़ उनके जहन में आती हैं, या इससे रिलेटेड कोई बिहेवियर आते हैं जो वो करते हैं अपनी उन फैंटसीज से रिलेटेड। ये फैंटसीज़ इन इंसान को किसी भी चीज़ से रिलेटेड, किसी भी इंसान से रिलेटेड, किसी ऐसी चीज़ जो कि नॉन ह्यूमन है या कोई ऑब्जेक्ट है उससे रिलेटेड भी हो सकती है, या बच्चों से रिलेटेड हो सकती है, या किसी भी अडल्ट से रिलेटेड भी हो सकती है। यानी किसी भी एक स्पेसिफिक चीज़ या इंसान में या किसी बॉडी पार्ट में उन्हें ख़ास किस्म की वहाँ से अट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से उन वो उन जिनसी तौर पे अट्रैक्टिव होते हैं और वो सेक्सुअली अर्जिज उनमें आना शुरू हो जाते हैं। अब इसकी बहुत सी डिफरेंट टाइप्स हैं पैराफीलिया डिसऑर्डर की, इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स जो है अब हम उनके बारे में एक एक करके बात करेंगे। अब हम जितने भी डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे पैराफीलियस के, उसके अंदर उन सब का जो एक टाइम ड्यूरेशन होगा वो कम अज़ कम 6 मंथ्स का होना चाहिए, उसके बाद हम उनको वो डिसऑर्डर जो है उसको लागू करते हैं कि इनको ये मर्ज हो सकता है। ये बहुत मेन वोमेंस में हो सकता है, इसकी डिफरेंट टाइप्स के अकॉर्डिंगली हम बात करेंगे कि कौन सी चीज़ जो मर्ज है वो मर्दों में ज़्यादा पाया जाता है, कौन सा औरतों में ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा ये जितने भी पैराफीलिया डिसऑर्डर हैं, ये सब इनकी ज़िंदगी में डिस्ट्रेस पैदा करते हैं, यानी बेचैनी पैदा करते हैं, डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं उनकी लाइफ से रिलेटेड, उनकी सोशल ऑक्यूपेशनल, उनकी समाजी लाइफ, उनकी एजुकेशन से रिलेटेड लाइफ, कारोबारी लाइफ, हर किस्म की ज़िंदगी में जो है वो असर अंदाज होती हैं। अब इसकी टाइप्स के बारे में बात करते हैं। इसकी पहली टाइप जो कि वो है, वो यूरिस्टिक डिसऑर्डर। इस डिसऑर्डर में ये होता है कि इंसान को बहुत ज़्यादा सेक्सुअल अर्जीज आते हैं, जिनसी ख्वाहिशात आती हैं, और वो इस तरीके से आती हैं कि किसी भी दूसरे इंसान को जो कि नेकेड है या विदाउट क्लोथ्स है, उसको देख के उनको अर्जीज आती हैं। अब ये अर्जीज इस तरीके से आती हैं कि वो उस इंसान के कंसेंट के बगैर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसकी एग्जाम्पल ये है कि कोई एक इंसान जो इस डिसऑर्डर में मुबतला है, वो किसी दूसरे शख्स को जब वो कपड़े चेंज कर रहा है, या वो उसको ख़ुद को नहीं पता कि मुझे कोई इस वक्त देख रहा है, तो वो उसको देख रहा होता है और उससे उसको खुद से सेटिस्फेक्शन मिलती है। इस तरह के इंसान जो इस डिसऑर्डर में मुबतला होते हैं, वो उनकी लाइफ में जो सेक्सुअल लाइफ होती है वो नॉर्मल हद तक होती है। वो इसके अलावा दूसरे उनके जो पार्टनर के साथ भी लाइफ चल रही होती है वो नॉर्मल हद तक चल रही होती है। ये डिसऑर्डर्स उनकी ज़िंदगी में यानी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस पैदा नहीं कर रहा होता टू सम एक्सटेंट। अब ये डिसऑर्डर्स जो है ये बच्चों में भी हो सकता है, बड़ों में भी हो सकता है, लेकिन मेनली जो है ये तकरीबन 16 साल के बाद से बढ़ना शुरू होता है, और 18 साल की उम्र के बाद ये पीक पे डिसऑर्डर आना शुरू होता है, जिसमें बच्चे या उनकी आदत इस तरह की हो गई होती है कि वो किसी बड़े को या किसी को भी इस तरह से चेंजिंग करते हुए देख रहे हैं, किसी सेक्सुअल एक्टिविटी में एंगेज देख रहे हैं, और फिर उनकी वो आदत उसी तरह से स्ट्रांग होना शुरू हो जाती है। एग्जिबिशनिक डिसऑर्डर में ये होता है कि एक जो इंसान इसमें मुबतला होता है, वो किसी भी दूसरे इंसान को अपने जिनसी हिस्से दिखाने पे मजबूर करता है, या उसको अपने आप को दूसरों को दिखाना उसकी आदत हो गई होती है, या उसको उस चीज़ में सेटिस्फेक्शन मिल रही होती है, उसको अर्ज आ रही होती है कि अगर कोई दूसरा मेरी तरफ देख रहा है, कोई बच्चा देख रहा है, या कोई अपोजिट जेंडर का देख रहा है, तो मैं अपने जिनसी पार्ट्स जो हैं वो उसको दिखाऊँ, और उसको इस तरह करने से जो है सेटिस्फेक्शन मिलती है। एग्जिबिशनिक डिसऑर्डर के बारे में एक और बात भी ये कि इसकी एग्जांपल हमारे माशरे में भी बहुत सी मिलती हैं, जैसे फीमेल्स होती हैं जो घर से बाहर जाती हैं पढ़ाई के लिए या काम के लिए, वहाँ रास्ते में या पब्लिक प्लेसेस पे बहुत से मर्ज इस तरह के होते हैं जो उनको अपने जेनिटल्स शो करते हैं या अपने प्राइवेट पार्ट शो करने की कोशिश करते हैं या दिखाते हैं, तो ये एक उसी की एग्जाम्पल आती है। अब इससे नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रोटोरिस्टिक डिसऑर्डर की। जो फ्रोटर वर्ड है वो एक फ्रेंच जुबान से निकला है, जिसका मतलब है टू रब। इसके मतलब से भी इसका मतलब वाजिया हो रहा है कि इस डिसऑर्डर में इंसान को बहुत ज़्यादा अर्जीज आती हैं और ख्वाहिशात इस तरह की आती हैं कि वो अपने जेनिटल्स को दूसरे इंसान के साथ रब करें या उनको टच करें। अब इसकी एग्जांपल भी इसी तरह से हमारे माशरे में बहुत मिलती है, और फीमेल्स हमारी यहाँ पे बहुत इससे रिलेटेड
शिकायत भी करती हैं कि जब वो घर से बाहर निकलती हैं पब्लिक प्लेसेस पे, स्पेशली बसेस में जहाँ पे क्राउडेड होते हैं प्लेसेस, तो वहाँ पे इस तरह से ज़्यादा होता है कि मर्द आते हैं उनको फीमेल्स को टच कर दिया या खुद अपने पार्ट्स उनको टच कर दिए, उनके थाइस को, फीमेल ब्रेस्ट को प्रेस कर दिए। इस तरह से हमारे माशरे में बहुत सी इसकी एग्जांपल्स इजीली हमें देखने को मिलती हैं। अब ये जो फ्रोटिस्टिक डिसऑर्डर स्टार्ट होता है मोस्टली कम एज में शुरू होता है, और आहिस्ता आहिस्ता जैसे इंसान की 25 ईयर एज है इससे ऊपर जाना शुरू होती है तो ये डिसऑर्डर्स में कमी आना शुरू हो जाती है, यानी वो इंसान की हैबिट्स जो हैं वो चेंज होना शुरू हो जाती हैं। अब इससे नेक्स्ट जो इसकी टाइप है वो है सेक्सुअल मैसोकिज्म डिसऑर्डर। इसमें इंसान को शदीद किस्म का जिस्मानी अराउजल होता है कि वो दूसरों को या खुद को अजियत पहुँचाए या उसको मारे, बांध कर रखें आंखों पे जैसे ब्लाइंड फोल्ड पट्टियाँ बांध देना, ये इस तरह के ख्यालात जिस तरह के वो दूसरों को या ख़ुद को अजियत पहुंचा रहे हैं, उनको टॉर्चर कर रहे हैं और उनको इस तरह करने से ख़ुद को सेटिस्फेक्शन मिल रही है और ख़ुद को एक सेक्सुअल अराउजल उनका हो रहा है। अब ये अजियत वो ख़ुद को भी पहुँचा सकते हैं, किसी दूसरे को भी पहुँचा सकते हैं। सेक्सुअल मैसोकिज्म डिसऑर्डर की एक और एग्जाम्पल आती है जिसको बोला जाता है एस्फिक्सियोफीलिया। इसमें ये होता है कि इंसान को खुद का या दूसरों का सांस रोकने से सेटिस्फेक्शन मिलती है और इसका सेक्सुअल अराउजल होता है कि या तो वो खुद का सांस रोक के रखते हैं या किसी दूसरे को अजियत पहुंचाने के लिए उनका सांस रोकते हैं और फिर उनको सेटिस्फेक्शन मिलती है। अब इसके आगे एक और एग्जाम्पल है सेक्सुअल सैडिज्म डिसऑर्डर। इस डिसऑर्डर में ये होता है कि इंसान को शदीद किस्म का सेक्सुअल अराउजल होता है दूसरों को जहनी और जिस्मानी तकलीफ देने से, उनके जिस्म पे किसी किस्म के कट लगाने से, उनको बांधने से, या इवन हत्ता के एक्सट्रीम लेवल पे वो उनको डेथ भी उनकी कर देते हैं, उनको किल कर देना, उनको मार देना एक्सट्रीम लेवल पे, उनको इससे भी सेटिस्फेक्शन मिलती है। ये डिसऑर्डर जो है वो मोस्टली जो है फीमेल्स में पाया जाता है। अब ये जो सेक्सुअल डिसाइडिज्म डिसऑर्डर है ये मोस्टली तो मर्दों में पाया जाता है और स्पेशली अपने काउंटर पार्टनर्स के साथ, यानी कि हस्बैंड्स हैं अपनी वाइफ के साथ, वो उनको अजियत पहुंचाना, किसी किस्म की तकलीफ़ देना, उनको जहनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे किसी भी तरह से अजियत पहुंचा के उनको सुकून मिलता है और सेक्सुअल अराउजल होता है और उसके बाद उनको अजियत दे के सेटिस्फेक्शन मिलती है। अब पैराफीलिया डिसऑर्डर की एक और बहुत सी एक कॉमन एग्जांपल है जो कि हमारे माशरे में बहुत पाई जाती है, जिसको बोला जाता है पीडोफीलिया डिसऑर्डर। पीडोफीलिया डिसऑर्डर में इंसान को सेक्सुअल अर्जीज मिलती हैं और अराउजल होता है किसी बच्चे को देख के, जो उनकी कम से कम उम्र बच्चों की 16 साल से कम होनी चाहिए या एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए कि जो इंसान इस बीमारी में मुबतला है उसकी उम्र से बच्चा कम से कम 5 साल छोटा हो, फिर हम इसको पीडोफीलिया डिसऑर्डर में काउंट कर सकते हैं। इस डिसऑर्डर में होता ये है कि जो भी इसमें मुबतला है उसका एक्सट्रीमली सेक्सुअल अर्जीज आती हैं और वो बिहेवियर्स भी हो सकते हैं, किसी किस्म की एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं वो छोटे बच्चों के साथ, मोस्टली चाइल्ड या एडोलेसेंट्स एज में। अब ये बच्चों के साथ लड़का भी हो या लड़की भी हो, दोनों के साथ ही इस बिहेवियर में वो मुबतला हो सकते हैं, लेकिन मेनली जो हमारे माशरे में देखा गया वो छोटी बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ इन बिहेवियर्स में ज़्यादा तौर पे इन्वॉल्व होते हैं। इसकी एग्जांपल्स भी बहुत कॉमन है हमारे माशरे में, जैसे कि घर पे सर्वेंट्स होते हैं जो छोटी बच्चियों को खेल खिला रहे हैं और उसके बहाने उनको टच कर रहे हैं और उससे उनको सेटिस्फेक्शन मिल रही है, स्कूल की गार्ड्स होते हैं या कहीं अगर स्कूल कॉलेज की बसेस में होते हैं और वो छोटे बच्चों को उनको स्पेशली गर्ल्स के साथ के मैं आप गोद में बिठा के खेल रहा हूँ। इसके अलावा भी एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल है कि जो फैमिलीज में कुछ अंकल्स हो जाते हैं या घरों में ही कुछ इस तरह के मेल्स होते हैं और उनको नहीं पता होता कि इस डिसऑर्डर में मुबतला है और वो बच्चों के साथ इस तरह की एक्टिविटीज़ में इंगेज होके उनके साथ खुद को एक सेक्सुअल अराउजल दे रहे होते हैं और उससे अपनी सेटिस्फेक्शन को पूरा कर रहे होते हैं। अब इसकी एक और पैराफीलिया डिसऑर्डर की एग्जांपल है जिसमें फिटिशिस्टिक डिसऑर्डर आता है। फिटिशिस्टिक डिसऑर्डर में ये होता है कि इंसान को सेक्सुअल अराउजेज होते हैं या अर्जीज होती हैं या फैंटेसीज भी उसकी हो सकती हैं किसी भी नॉन ऑब्जेक्ट या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के यूज़ से। फॉर एग्जाम्पल ये अब किसी भी चीज़ की भी हो सकती हैं और किसी के बॉडी पार्ट से रिलेटेड भी अर्जीज हो सकती हैं कि वो उन बॉडी पार्ट्स को या उस चीज़ को देख के उसको सेक्सुअल अर्जीज आती हैं और अराउजल होता है और उसको सेटिस्फेक्शन को पूरा करता है। अब इसकी एग्जाम्पल किसी भी सिंपल चीज़ों से हो सकती है, जैसे कोई वुमेंस के अंडर गारमेंट्स, शूज़, उनके बूट्स। इसके अलावा हैंड्स, फीट फेटिशिज्म इस भी एक डिसऑर्डर है कि औरतों के या मर्दों के पाँव या ऑपोजिट जेंडर के पाँव देख के या हाथ देख के, बॉडी पार्ट्स, आइज, कुछ भी देख के उनको सेक्सुअल अराउजल होता है।
इसमें इवन इसकी एक्सट्रीम एग्जांपल बॉडी अडोर भी है कि बहुत से मेंस जो हैं वो इस चीज़ को मानते हैं कि किसी भी फीमेल की बॉडी अडोर या बॉडी की जो एक स्पेसिफिक स्मेल होती है वो हमें अर्ज देती है और उससे हमें फैंटेसीज आना शुरू होती हैं। तो ये फेटिशिस्टिक डिसऑर्डर में होता है और जो कि औरतों की निस्बत मर्दों में बहुत ज़्यादा कॉमन पाया जाता है। इसके अलावा इस डिसऑर्डर में ये भी हो सकता है कि कुछ लोग चोरी की हद तक भी आना शुरू हो जाते हैं, यानी जिन चीज़ों से उनको प्लेयर मिलता है और अर्जीज आना शुरू होती हैं वो उन चीज़ों को चोरी करना भी शुरू कर देते हैं। इसकी एक बड़ी कॉमन एग्जांपल है कि जो कि फीमेल्स के अंडरगारमेंट से रिलेटेड है कि वो उनको चोरी करना शुरू कर देते हैं और अपने पास सेव करना शुरू कर देते हैं, या उनको किसी भी तरह से यूज़ करना, उनको टच करना, उनको स्मेल करना, उनको अपनी बॉडी पार्ट्स के साथ यूज़ करना, उनको इस चीज़ से सेटिस्फेक्शन मिलती है। अब इसकी जो आखिरी एक कॉमन टाइप है पैराफिलिया डिसऑर्डर की वो है ट्रांसवेस्टिक डिसऑर्डर। ट्रांसवेस्टिक डिसऑर्डर में ये होता है कि इंसान को सेक्सुअल अर्जीज और अराउजल आते हैं अपने ऑपोजिट जेंडर के कपड़े पहनने से, यानी वो ऑपोजिट जेंडर के कपड़े पहनना चाहता है। कोई भी अगर मर्द है तो वो फीमेल्स की तरह के कपड़े पहनता है, और अगर कोई फीमेल है तो उसको मर्दों के कपड़े पहन के अराउजल होता है और उससे रिलेटेड उसको फैंटेसीज आ रही होती हैं। अब अगर कोई मेल इस बीमारी में मुबतला है तो वो इस तरह से मेनली करते हैं कि वो अकेले में किसी फीमेल के कपड़े पहनते हैं अपने घर में, अगर हस्बैंड है तो वो अपनी वाइफ के ही कपड़े पहन के तैयार होके या मेकअप करके खुद को अराउजल देता है और अपनी सेटिस्फेक्शन को पूरा करता है। मेनली इसके पीछे कॉजेस भी यही होते हैं कि जैसे बचपन में कोई बहुत बहनें ज़्यादा हैं और भाई कम है तो वो फीमेल्स में ज़्यादा रहते हुए उस इन्वायरमेंट में खुद को इंडल्ज कर लेता है और उसको सेटिस्फेक्शन फिर मिलना शुरू हो जाती है। या इसी तरह से अगर कोई लड़की या अकेली और उसके बहुत भाई हैं या ज़्यादा मर्दों में रहती है तो उसमें भी ये चीज़ आना शुरू हो जाती है। अब ट्रांसवेस्टिक डिसऑर्डर में एक और जो कन्फ्यूजन आ जाती है वो समटाइम्स ये होता है कि इसको जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर्स के साथ भी मिक्सअप किया जाता है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर में ये होता है कि जो इंसान होता है वो अपने ऑपोजिट जेंडर में खुद को चेंज करना चाहता है, यानी कि कोई मेल है तो वो चाहता है कि मैं फीमेल बन जाऊँ और मैं अपना प्रॉपरली अपना जो जेंडर है वो इसको चेंज कर लूँ, या फीमेल है तो वो मेल में होना चाहती है। लेकिन ट्रांसवेस्टिक डिसऑर्डर में ये होता है कि उसको ऑपोजिट जेंडर के कपड़े पहन के सेटिस्फेक्शन मिलती है और उसका सेक्सुअल अराउजल होता है जिसको पूरा करने के लिए वो ये हैबिट को है उसमें इंडल्ज होता है। हमने जो अभी पैराफीलिया डिसऑर्डर्स पे बात की है, अब इसके एक छोटी सी एंड पे मैं बात करना चाहूँगी कि वजूहात क्या हो सकती हैं पैराफीलिया डिसऑर्डर की। वो सिंपल ये चीज़ें हैं कि जैसे इंसान दूसरों पर अपना कंट्रोल करना चाहते हैं, अपनी पावर शो करना चाहते हैं, या कुछ ऐसे लोग जो जिनका बिहेवियर बहुत वो शाय किस्म के और अपने वो शायनेस को छुपाने के लिए इस तरह का बिहेवियर अडॉप्ट कर लेते हैं, या इंसान किसी किस्म की एंजाइटी, डिप्रेशन या स्ट्रेस में मुबतला हो सकता है। इसके अलावा चाइल्डहुड बुलिंग भी इसकी एक वजह हो सकती है। इसके अलावा चाइल्डहुड अब्यूज़ भी हो सकता है। कोई लर्न्ड बिहेवियर भी हो सकते हैं, यानी किसी बड़े को इस तरह से किसी एक्टिविटी में एंगेज देखा और उसको बच्चों ने बार बार करना शुरू कर दिया, उनको सेटिस्फेक्शन मिलती है और इस तरह से उनका एक कंडीशनिंग बिहेवियर डेवलप हो जाता है और वो इस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसके अलावा एक इसकी बड़ी मेन कॉज जो पैराफीलिया डिसऑर्डर की है वो है पोर्नोग्राफी, जो हमारे माशरे में आजकल बहुत ज़्यादा इन हो चुकी हुई है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के वीडियो में मैंने आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बताई। इसके अलावा भी अगर किसी किस्म के आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।